जानते नहीं हो आज मैंने क्या खोया। तुम इस फैमिली से अभी नए नए जुड़े हो, तुम्हारी अटैचमेंट वैसी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाभी ने जानबूझकर भाई की प्रमोशन रुकवाई है। ताकि ऑफिस में उनका सारा वो काम करें और घर में दबके रहें। वो शोहर है तुम्हारा, उसे अपना मुलाजिम मत बना, खुद छुट्टियां लेकर घर बैठ जाओ, वो तुम्हारे हिस्से का काम करे और बदले में उस गरीब को क्या मिला? प्रमोशन तक तो तुमने होने नहीं दी उसकी। जी मैम। फराज साहब, आप अभी तक घर नहीं आए। जी मैम, बस ये प्रोडक्शन साइकिल चेक करा था। आप प्लीज घर आ जाएं, कल से मैं खुद ऑफिस जाऊंगी, सारा काम खुद चेक कर लूंगी, आप बस घर आ जाएं। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है, बस मैं घर आई तो आप घर पर मौजूद नहीं थे। और मैं आपको याद कर रही थी। मिस कर रही थी? मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। क्यों, मैं आपको याद नहीं कर सकती क्या? या फिर मेरी एब्सेंस में आप मुझे याद नहीं करते? नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। ऑफिस में आपके बगैर दिल ही नहीं लगता। आदत हो गई है मुझे आपकी। तो बस ठीक है, आप फौरन घर आ जाएं, काम छोड़ें, काम बाद में होता रहेगा। मैं वेट कर रही हूँ आपका। ओके, आ रहा हूँ। उसकी मंजिल हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अरीबा घर पहुंचो फौरन। सब खैरियत है? अरे खैरियत ही तो नहीं है, तभी तो तुम्हें बुला रहा हूं मैं। तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है मेरी। सकलन क्या हुआ, आप ठीक है ना? अरे नहीं हूँ ठीक, सीने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मेरे, तुम घर पहुंचो। सकलन आप किसी डॉक्टर को दिखाएं फौरन। अरे डॉक्टर के पास
डॉक्टर के पास मैं कैसे जाऊंगा? तुम घर आओ बस। हाँ हाँ मैं अभी निकल रही हूँ, अभी आ रही हूँ। ग्लेन की तबीयत बहुत खराब हो गई है, मुझे फौरन निकलना है। तुमने घबराना नहीं है सलमा बाजी, तुम्हारे पास है। आप क्या क्या हो गया? आप इतनी अफरा तफरी में कहाँ जा रही हैं मुझे यूँ अकेला छोड़ के? देखो आप तुम घबराना नहीं, मैं जा रही हूँ, सलमा बाजी तुम्हारे पास है और मेरा नंबर बेल पर है, तुम कभी भी कॉल कर सकती हो। मैं अकेली हूँ। बस कर दें बाजी, क्यों रोई जा रही हैं? रोऊं नहीं तो मैं और क्या करूं? किसी को भी मेरी परवाह नहीं है, अम्मी चली गई हैं छोड़ के और बाकी सबने भी मुझे छोड़ दिया है। नहीं बाजी, सबको आपकी परवाह है और मैं हूं ना आपके साथ। महानूर बाजी को तो आपकी इतनी फिक्र थी, मुझे खास तौर पर बोल के गई थी कि एक मिनट भी आपको अकेला ना छोड़ूं। बहुत फिक्रमंद थी इसीलिए वो मुझे छोड़कर चली गई है ना। आप उनकी मजबूरी समझे ना, वो यहाँ हमेशा तो नहीं रुक सकती ना। ये देखे कल के लिए आपके कपड़े इस्त्री कर दिए मैंने, सुबह यूनिवर्सिटी जाएंगी ना। अब आपकी तबीयत कैसी है? बेहतर है पहले से। आप एक बार डॉक्टर को दिखा देते तो मुझे तसल्ली हो जाती। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बस खाना खाऊंगा ठीक हो जाऊंगा। तुम क्यों नहीं खा रही? दिल नहीं चाह रहा मेरा कुछ भी खाने को। आपने फोन किया कि तबीयत ठीक नहीं है तो अजीब हो गई मैं। अल्लाह का शुक्र है कि अब आप ठीक है। सुने, मैं सोच रही थी कि रमशा को हम कुछ दिनों के लिए इस घर में ले आए। क्यों, उसे यहाँ लाने की क्या जरूरत है? फोन किया था मैंने उसे, डर रही थी, रो रही थी, घर में अकेली है ना। तो देखो सलमा है वहां पे मौजूद, उसको 24 घंटे के लिए हमने इसीलिए रखा है ताकि वो उसके साथ रहे, उसको कंपनी दे। देखो रिबा, ऐसा नहीं है कि मैं रमशा को यहाँ नहीं लाना चाहता, तो खुद काफी परेशान हूँ उसकी वजह से, लेकिन अब खुद सोचो ये मसले का हल तो नहीं है ना। 4-5 रोज के लिए वो यहाँ रह भी लेगी लेकिन वापस तो उसने वहीं जाना। आप सही कह रहे हैं, अब उसे अकेले रहने की खुद को आदत डालनी होगी। अच्छा परेशान मत हो, सोचते हैं इस बारे में, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। मैं आपको खाना निकाल दूं? क्या हुआ, ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं कुछ खास नहीं, मस्कुलर है, मेरे ख्याल से मैंने पेन किलर्स ली हैं, ठीक हो जाएगा। खाना खाओ।
तो कह रही थी आप मुझे बहुत मिस कर रही हैं। जब से मैं घर पे आया हूँ आप तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही, इतना काम में बिजी है, काम ही किए जा रही है। हमारी बहुत फैली हुई है, मैंने सोचा आपके कपड़े सेट करके रख देती हूँ। हाँ मेरी ही गलती है, मैंने सब कुछ इतना फैला दिया है ना। कैसे मेरी हर गलती कैसे अपने सर ले लेते हैं आप? मेरी गलती है, देखिए ना आप जब घर पे होती हैं तो सब चीजें अपनी अपनी जगहों पर होती हैं, मैं ही हूं जो फैला देते हैं। एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आपको मुझसे क्या क्या शिकायतें हैं? शिकायत कौन सी, कब, अभी क्या क्या शिकायत? घर की शिकायत, ऑफिस की शिकायत, हमारी पर्सनल लाइफ की शिकायत। आपने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मेरा साथ निभाया है, मुझे लगता है कि मैं उस तरह से आपके साथ नहीं चल पा रही। कैसी अजनबी वाली बात कर रही हैं आप? अच्छा चलें अब आपने पूछ लिया है तो बता देता हूं मैं, आपसे मुझे कोई भी शिकायत नहीं है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी वजह से मैं खुद पर भरोसा और यकीन दोबारा से हासिल कर पा रहा हूं। अपने दिल की हर बात मैं आपसे कर सकता हूं, इसीलिए मुझे कोई भी शिकायत होगी ना मैं फौरन कर दूंगा, आपसे दिल में नहीं रखूंगा। okay, मुझे लगता है कि हमारे बीच अब इतनी तो अंडरस्टैंडिंग है ही। ब्रह्मशाह कैसी है? ठीक है, बस परेशान है थोड़ी, और उसकी वजह से मैं परेशान हूँ, अकेली कैसे रहेगी? उसको ब्याह ले आते हैं? तो मैं आपको वहां छोड़ देता हूँ, आप मिल लीजिएगा उससे। बाहर चलें थोड़ी देर, हवा कहाँ है, आज मौसम कितना अच्छा है, थोड़ा मूड अच्छा हो जाएगा। रमशा बाजी जी, उठें खाना खा लें। मुझे नहीं खाना, आप खा लें। मगर बाजी आपने दोपहर को भी खाना नहीं खाया था, महानूर बाजी मुझे खास ताकीद करके गई थी कि आपको कुछ खिलाऊं, वरना आप बीमार हो जाएंगी। अगर एक दिन मैं खाना नहीं खाऊंगी ना तो मर नहीं जाऊंगी, और अगर मर भी गई तो किसी को क्या परवाह मेरी। अब जाए खुद खाना खाए, मुझे नहीं खाना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आपकी कॉल आई है, सब खैरियत है ना? वालेकुम सलाम, और तुम हस्बे आदत फोन रिसीव नहीं कर रही थी? नहीं आसिया ऐसी बात नहीं है, मेरा तो फोन किचन में था इसलिए वो। फोन अपने पास क्यों नहीं रखती हो तुम? हर वक्त फोन अपने पास कौन रखता है? तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कभी भी फोन कर सकता हूँ। यासिर
क्या ये मुमकिन नहीं है? आप दिन में एक ही बार मुझे एक ही मखसूस वक्त पर कॉल किया करें। मेरा मतलब है कि मैं समझ गया तुम्हारा मतलब। शायद तुम्हें पसंद नहीं है मुझसे बात करना। ऐसी कोई बात नहीं, आप माइंड ना करें, मैं तो आपके कन्वीनियंस के लिए कह रही थी। देखो, मेरा जब दिल करेगा और जब मेरे पास टाइम होगा मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। अच्छा ये बताओ, मानू भाभी घर पे हैं क्या? अम्मी और मैं मानू भाभी की मदर की डेथ पे अफसोस करने आना चाहते थे, सोचा अगर वो आ गई तो कलम चक्कर लगा लेते। ठीक है, मैं अम्मी को बता दूंगी। कुछ भी पर आज मुझे नहीं पता था कि आपको इतने सारे जोक्स आते हैं। अरे मजबूरन याद करके सुना रहा हूँ। पहले आप हंसने के मामले में इतनी कंजूस नहीं थी, कम से कम मुस्कुराई लेती थी। अनुर प्लीज अब रोइएगा मत, आपको अंदाजा नहीं है कि आपके आंसू मेरे लिए कितने कीमती हैं। आप जब रोती है ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दिल के आईने में एक राज छुपा रखा है, फलसफा अंदर से दरवाजा लॉक कर दो। मैंने रूम का दरवाजा लॉक किया हुआ है। रमशा, मैं अभी सकलैन को कॉल करती हूँ, वो घर पे नहीं है। आते हैं तो मैं अभी निकल रही हूँ। क्या हुआ, सब खैरियत है? रमशा की कॉल है, कह रही है कि
इस वक्त घर में कोई है? हाँ रमशा, क्या हुआ है? सकलेन भाई, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। रूम का दरवाजा लॉक कर रहा है और अगर वो अंदर रूम में आ गया तो मैं क्या करूंगी? सलमा बाजी भी घर पे नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज आप लोग जल्दी से आ जाएं। नहीं आएगा कोई अंदर, तुम दरवाजा मत खोलना, किसी सूरत दरवाजा मत खोलना तुम, बस हम पहुंच रहे हैं। शिफ्ट हो जाते हैं। हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे क्यों? अरे भाई तुम देख रही हो ये किस तरह डर रही है, इस तरह तो अकेली रह के डर से मर जाएगी। मत घबराओ, हम आ गए हैं ना, सकलेन देख रहे हैं, सब ठीक कर देंगे वो, मत घबराओ, आ गए। नीचे भी सब देखाया हूँ, यहाँ भी ठीक है। मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, जो चीज जहाँ पे थी वहीं पे मौजूद है, चोरी तो कुछ भी नहीं हुआ। सकलेन भाई, जब कोई अंदर आया ही नहीं तो चोरी कैसे हो सकती है? नहीं, अभी कोई आया था, मैं सच कह रही हूँ, कोई घर में आया था। रमशा बाजी, मैंने शाम को ही सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए थे, अंदर कोई कैसे आ सकता है? हाँ बाहर जरूर कोई था, बहुत जोर जोर से दरवाजा बजा रहा था, ऐसा लग रहा था दरवाजा ही तोड़ देगा। नहीं अभी मेरे रूम का कोई दरवाजा नॉक करके खोलने की कोशिश कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि कोई दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाएगा मेरे कमरे में। वाकई में वो तो रमशा बाजी मैं थी, जब बाहर शोर हुआ तो मैं आपकी तरफ आई, क्या आप डर ना रही हो? लेकिन आपने दरवाजा ही बंद कर दिया, मैं ही बार बार दस्तक दे रही थी। सलमा बाजी, अगर आप थी तो आपको आवाज देकर बताना चाहिए था ना कि मैं हूँ। वो इतनी देर डरती रही, आपको जरा भी ख्याल नहीं आया? सच तो बाजी ये है कि मेरी अपनी हलक से आवाज नहीं निकल रही थी डर के मारे। हद है वैसे, जाओ तुम यहाँ से। तुम भी बैठो यहाँ पे, डरो मत। आप मुझे अपने साथ ले जाएं, मैं यहाँ अकेले नहीं रहूंगी अभी। मैं तो सकलेन से पहले ही कह रही थी कि अब रमशा हमारे साथ ही रहेगी। हाँ ठीक है, दो चार रोज हमारे साथ रह ले, इसका खौफ खत्म हो जाएगा, मगर उसके बाद क्या करेगी? सकलेन भाई, मैं यहाँ अकेले क्या करूंगी? आप तो जानती हैं ना कि जब अम्मी की मौजूदगी में भी मैं अकेले कमरे में नहीं जाती थी, और मुझे छत पे जाने पे कितना डर लगता है, वो भी शाम के टाइम, आप जानती हैं ना ये सब कुछ। रीवा, इसका एक हल और है, हम लोग यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे क्यों? अरे भाई तुम देख रही हो ये किस तरह डर रही है, इस तरह तो अकेली रह के डर से मर जाएगी। नहीं, हम रमशा को अपने साथ ले जाते हैं अपने घर। और इस घर का क्या करेंगे? ये जान करके खाला अब नहीं है, कोई घर पे कूद आया था, करकला को इस घर पे कब्जा हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे आप सब? ऐसा थोड़ी होता है। अरे ऐसे ही होता है जनाब, दुनिया में और बहुत कुछ होता है, तुम्हें अभी दुनिया देखी कहाँ है। हाँ तो फिर हमारा घर भी तो खाली रहेगा। अरे उसका कोई बड़ा मसला नहीं है, उसको रेंट पे दे देंगे या फिर कुछ दिनों के लिए एडजस्ट कर लेंगे, एक बार इसकी शादी हो जाए फिर हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे वापस। सकलेन भाई ठीक कह रहे हैं, आप लोग प्लीज यहीं मेरे पास रुक जाएं। वो तो शुक्र है कि आपने मेरा फोन उठा लिया, और वरना तो मैंने महानूर आप को भी कॉल की थी। लेकिन तुमने महानूर को कॉल की थी? जी की थी, लेकिन उन्होंने मेरा फोन बिल्कुल नहीं उठाया। उसे फिक्र होती तो फोन उठाती ना, जानती अच्छी तरह से कि बहन अकेली है, कम अज कम फोन तो पिक कर सकती है। अब हमें ही देख लो, हम भी भागे हुए आए हैं ना। ये तो वैसे ही तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी, रात का खाना तक नहीं खाया इसने। चलो
परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, तुम्हें डरने की अब कोई जरूरत नहीं, ठीक है? शमशा की कॉल आएगी। मेरी कॉल काट दी उसने। शायद यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रही होगी। दिन में कॉल कर लीजिएगा उसको वापस। हाँ, ऐसा ही है मैम। क्या हुआ? कुछ नहीं। ठीक है, आप फ्रेश हो जाए, मैं नाश्ता बनाती हूँ। आप ही मैं निकलती हूँ यूनिवर्सिटी के लिए, फिर वापस कब तक आओगे? वही जो मेरा यूनिवर्सिटी का टाइम है। रमशा, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तुम कभी भी वक्त पर घर वापस नहीं आई हो, हमेशा लेट हो जाती हो। जी, वो मेरी क्लासेस होती थी, सिर्फ इसीलिए। वजह जो भी हो, मगर अब आज के बाद तुम यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट घर वापस आओगी। तुम्हारी बहन परेशान हो जाती है। जी। हेलो हेलो रमशा, कैसी हो? तुम कॉल कर रही थी मुझे,
सब खैरियत तो है ना? मतलब तुम ठीक हो ना? वो कल रात की बात थी आपी, और रात तो जैसे तैसे करके गुजर गई है ना। दरअसल मेरा फोन रूम में था और मुझे पता नहीं चला। तुम ठीक हो ना? सब ठीक है? ठीक हूँ, जिंदा हूँ। और आपको मेरी फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप अपनी जिंदगी पे ध्यान दें, ठीक है? शमशाही, कैसी बातें कर रही हो? ऐसा क्या हुआ होगा रात को? रमशा ने मुझे फोन किया, अल्लाह खैर करे, सब ठीक तो होगा ना? मैं चलती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हरीबा, मुझे लगता है तुम्हें रमशा पे नजर रखने की जरूरत है। इस बात को समझो कि अब यह हमारी जिम्मेदारी है। कहीं ऐसा ना हो लोग हम पे उंगलियां उठाना शुरू हो जाए, कि रमशा के मामले में हमसे कोताही हो गई। समझ रही हो? सलाम साहब। कहाँ रह गए थे मियाँ? साहब वो ट्रैफिक में जरा फंस गया था। एनीवे गुड जॉब, ये लो तुम्हारे पैसे। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर क्या आज रात को भी उस घर जाना होगा? अब तुम्हें उस घर में जाने की जरूरत नहीं है, मेरा काम एक ही बारी में हो गया, अब तुम जा सकते हो। ठीक है साहब, दोबारा कोई काम है तो याद कीजिएगा। हाँ जरूर याद करो। मेहरबानी सर। रमशा, मैं तुम्हें कॉल करना चाहता था क्योंकि उस वक्त तुमसे बात नहीं हो सकी थी। मैं तुम्हें कॉल करके हिम्मत देना चाहता था। तो फिर तुमने क्यों कॉल नहीं की? मुझे तो लगा कि तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता था। एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि उस वक्त तुम्हारी सिचुएशन क्या होगी, तुम्हारे पास कौन है कौन नहीं, तुम उससे बात कर पाओगी या नहीं। आई डोंट नो। कोई नहीं था मेरे पास, कोई भी नहीं। In fact, अम्मी के जाने के बाद ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। कल रात जो मैंने फेस किया ना, वो मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। मेरी दोनों बहनें मुझे घर पर अकेला छोड़ के अपने अपने घर चली गई थी, और हमारे घर चोर घुस आए थे, जानते हो तुम? क्या कह रही हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? तुम सब भाभी भी बिल्कुल अजीब हैं। पहले मैं समझता था कि तुम्हारी उनकी बहुत बनती है आपस में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम सब तुम एक काम करो, भाभी से बात करो और उनसे कहो कि कुछ दिनों के लिए तुम हमारी तरफ आ जाओ। तुम अच्छे तरीके से जानते हो वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ शायद मेरी वजह से, क्योंकि वो मुझे ना पसंद करती है। रमशा, तुम इन हालात में अकेले कैसे रह पाओगी? अगर खुदा ना खासा मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पास रीबा आपी और सकलैन भाई दोनों आ गए मेरे साथ रहने के लिए। को
अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ट्रस्ट मी। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो प्लीज लेट मी नो, ओके? क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? एक के बाद एक मसला तो आपका हल हो गया। मसले तो अभी भी जूं के तू हैं। वो मेडिसिन जो मैंने खाला को दी थी, मानू ने उसे लैब टेस्ट के लिए भेज दिया। अगर उसका रिजल्ट आएगा तो मैं सिचुएशन को कैसे हैंडल करूंगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओ हाँ, ये तो वाकई मसले वाली बात है, क्योंकि रिपोर्ट्स में तो ये आराम से पता चल जाएगा कि आपने दवा में जहर मिलाया था। अच्छा, आप परेशान मत हो, चाय ठंडी हो जाएगी, मैं आपको देती हूँ। क्या हुआ, ठीक हो तुम? हाँ ठीक हूँ मैं, मुझे क्या होना है, आपके बगैर रहने की आदत तो हो ही गई है, अब हमारे बच्चे को भी आदत हो ही जाएगी। हरगिज नहीं, अपने बच्चे को एक नजर भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगा। एक बार उसे इस दुनिया में आने तो तुम देखना कितने लाड उठाता हूँ। और वैसे भी सब कुछ तो मैं उसी के लिए कर रहा हूं। अच्छा, तो सब कुछ आप हमारे बच्चे के लिए कर रहे हैं, मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए भी सब कुछ है, बताओ क्या चाहिए तुम, हुक्म करो। एक काम कहा था मैंने आपको, वो तो आपने किया नहीं। रमीज को मैंने शॉप के लिए कह दिए, आपने पैसे तो दिए नहीं मुझे। अरे यार, इन सब झमेलों में मेरे जहन से निकल गया, I'm really sorry। मैं तुम्हें अभी एक चेक बना के दे देता हूँ, तुम रमेश को दे दो। खुश? खुश। अच्छा, चाय तो ठंडी हो जाएगी फिर से, मैं आपको देती हूँ। हाँ, डॉक्टर सना बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं समझ सकती हूँ, आपकी वालदा की अचानक मौत आपके लिए बहुत शॉकिंग थी। आपको याद है मैंने आपसे कहा था आपकी वालदा की मेडिसिन का लैब टेस्ट करवाना है? जी, वो तो मैंने उसी दिन लैब भिजवा दी थी। आपने रिपोर्ट चेक की? नहीं। मैं रिपोर्ट देख चुकी हूँ, आप भी ऑनलाइन रिपोर्ट चेक कर लें। क्या आप कुछ देर के लिए हॉस्पिटल आ सकती हैं? क्या बात है डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? आप यहाँ आ जाएं, फिर अतमनान से बात करते हैं। जी, ताफिस। क्या बात है, डॉक्टर क्यों कॉल कर रहे थे आप? मेडिसिन की लैब रिपोर्ट के बारे में कुछ बात करना चाह रहे हैं, परेशानी में मैं भूल ही गई कि उन्होंने मुझे बुलाया था। हाँ तो ठीक है, मैं चलता हूँ आपके साथ। आप चलेंगे? बाय ना, शुक्रिया।